नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट द स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर फरवरी 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे तथा उन प्रश्नों से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए कपिल राव, ऑप्शन नंबर बी देवाशीष पांडा, ऑप्शन नंबर सी दिनेश सिंह और या ऑप्शन नंबर डी पवन यदुवंशी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवाशीष पांडा को। भारत का नया वित्त सचिव देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। वित्त सचिव भारत के वित्त मंत्रालय का वरिष्ठतम IAS अधिकारी होता है, जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कामकाज संभालता है। और दोस्तों, जो एक रुपए का नोट होता है उस पर हमेशा वित्त सचिव का सिग्नेचर रहता है, और इससे जो बड़े नोट रहते हैं उस पर RBI के गवर्नर के सिग्नेचर रहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो, भारत की प्रथम इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए कानपुर से झांसी, ऑप्शन नंबर बी बुलंदशहर से पुखराया, ऑप्शन नंबर सी मुंबई से पुणे या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली से कोलकाता। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से पुणे। भारत की जो प्रथम इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा है वह मुंबई से पुणे के बीच में शुरू की गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए वार, ऑप्शन नंबर बी मिशन मंगल, ऑप्शन नंबर सी गुड न्यूज या ऑप्शन नंबर डी गली बॉय। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गली बॉय। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार गली बॉय को दिया गया है। और दोस्तों, इस फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया है, रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर चुना गया है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। दोस्तों, बेस्ट डायरेक्टर इसमें जोया अख्तर ने, बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जोया अख्तर अख्तर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गली बॉय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चार, किस राज्य ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। हरियाणा ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। दोस्तों, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और इसके CM मनोहर लाल खट्टर हैं। दोस्तों, इसके CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर सत्यदेव नारायण इसके गवर्नर हैं। दोस्तों, इसकी लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं और विधानसभा सीटें 90। चंडीगढ़ की हरियाणा की विधानसभा सीटें 90 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर पाँच, जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित परिसीमन आयोग का प्रमुख किसको बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए सुशील चंद्र, ऑप्शन नंबर बी अशोक लवासा, ऑप्शन नंबर सी सुनील अरोड़ा या ऑप्शन नंबर डी विनय पाहुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुशील चंद्र, ऑप्शन नंबर ए सुशील चंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर छः, भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए विमल जुल्फा, ऑप्शन नंबर बी अभिषेक मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी संजय कोठारी या ऑप्शन नंबर डी राजू कुमार। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संजय कोठारी। संजय कोठारी जी को भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर सात, विश्व सामाजिक दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 17 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 15 फरवरी या ऑप्शन नंबर डी 25 फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
20 फरवरी को विश्व सामाजिक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस बार 2020 में विश्व सामाजिक दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए असमानता को कम करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, भारत का प्रथम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, या ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी हवाई अड्डा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, या ऑप्शन नंबर डी साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों इसके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत को 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा भारत में 2021 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किसे अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पंडित चंपत राय को, ऑप्शन नंबर बी महंत नृत्य गोपाल दास को, ऑप्शन नंबर सी नृपेंद्र मिश्रा को, या ऑप्शन नंबर डी पंडित गोविंद गिरी को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महंत नृत्य गोपाल दास जी को अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय केंद्र सरकार ने कर दिया है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली को, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप तथा दमन एवं दीव को, या ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबार तथा पुडुचेरी को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली का विलय हो गया है। तो दोस्तों अब प्रेजेंट में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए बेजोस अर्थ फंड हेतु कितना डॉलर फंड लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए $5 बिलियन, ऑप्शन नंबर बी $10 बिलियन, या ऑप्शन नंबर सी $15 बिलियन, या ऑप्शन नंबर डी $20 बिलियन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी $10 बिलियन, जो कि अभी जेफ बेजोस ने बेजोस अर्थ फंड के तहत $10 बिलियन लॉन्च किया है। दोस्तों जेफ बेजोस अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं, अमेजॉन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, 21 फरवरी 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स, ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज विथ रिस्पेक्ट, या ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज विथ ह्यूमैनिटी, या ऑप्शन नंबर डी नन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में विश्व की सबसे ज़्यादा बोलने वाली तीसरी भाषा कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी मंडारिन, या ऑप्शन नंबर सी हिंदी, या ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी। हिंदी भाषा ऐसी है जो विश्व की सबसे ज़्यादा बोलने वाली तीसरी भाषा है। और दोस्तों पहले नंबर पे इंग्लिश है, पहले नंबर पे इंग्लिश है, और दूसरे नंबर पे चीन की मंडारिन भाषा है, चीन की मंडारिन भाषा है जो कि दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे हिंदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में कौन सा देश विश्व की पाँचवीं अर्थव्यवस्था बन गया है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। दोस्तों भारत देश विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है, और प्रथम नंबर पे दोस्तों अमेरिका है जो अर्थव्यवस्था में एक नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जापान है, और चौथे नंबर पे जर्मनी है, चौथे नंबर पे जर्मनी है, पांचवें नंबर पे कौन बन गया दोस्तों? भारत। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।